नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। फिर से दिवाली है और फिर से सरहद पर जवानों के संग पीएम मोदी ने दिवाली मनाई है। मोदी चाहे जहां भी रहे, दिवाली के दिन उनकी जवानों से अपॉइंटमेंट फिक्स रहती है। इस बार फिर पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखिए, जिनमें वो कितने जोश और जज्बे के साथ सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और जवानों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। देश के सैनिक परिवार से दूर सरहद की रक्षा में तैनात होकर देश की दिवाली को शुभ बनाते हैं। देश का प्रधानमंत्री खुद बीच जाकर के उनका मुंह मीठा करवाता है, क्योंकि सैनिक है तो देश की सुरक्षा है, समृद्धि है और खुशियां हैं। पीएम मोदी इस बार दिवाली मनाने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ सैनिकों का हौसला बढ़ाया बल्कि अपने हाथों से उनको मिठाई खिलाकर ये भी जताया कि वो उनके अपने हैं, उन्हें अपना परिवार मानते हैं। उनके बीच आकर दिवाली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। और इसलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता 125 करोड़ देशवासी ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं, ऐसे लोग हैं। जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान पीएम मोदी ने वीर शहीदों को नमन किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का हर साल जवानों के बीच जाना, उनसे मिलना, बातें करना, मिठाई खिलाना बताता है कि देश की लीडरशिप अपनी सेना अपने जवानों के साथ है, उनके सुख दुख में शामिल है। प्रतिज्ञा अटल है। सियाचिन से लेकर के जम्मू कश्मीर के दूसरे सरहदी इलाकों में पीएम जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर के उत्तराखंड में भी वो ऐसा कर चुके हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली।